देखो मानूर, सिंपल सी बात है, मेरी बहन का फ्यूचर तुम्हारे भाई से जुड़ने वाला है, तो जाहिर सी बात है मेरे अपने कंसर्न्स हैं। मैं सारा को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव, मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से भाईजान इतना नाराज थी। और जहां तक मैं जुहेब को जानता हूँ, वो एक बहुत ही अच्छा लड़का है, तमीजदार है, सबकी इज्जत करने वाला है। वो मेरी माँ की भी उतनी ही सुनता है जितनी वो ताईजान की सुनता है, तो बस यही वजह थी। अच्छा ठीक है, मैं सुबह भाई से पूछ लूंगी क्या बात हुई है। हाँ इस वक्त पूछना मुनासिब भी नहीं है, काफी रात हो गई है। वैसे थक तो मैं भी बहुत गई हूँ। एहसन आज कितना मजा आया ना। मुझे नींद आ रही है, तुम बातें करती रहो, तुम्हारी बातें खत्म ही नहीं होती। कल बात करते हैं इस बारे में, ठीक है? हानूर बेटा, जरा मेरा सर दबा दो। अरे हादिया बेटा, तुम मैं समझी महानूर है, तभी मैंने कहा सर दबा दो। आए कोई बात नहीं ताई जान, मैं सर दबा देती हूँ। वैसे भी नानू कहती है मैं बहुत अच्छा सर दबाती हूँ। वाकई तुम्हारी नानू बिल्कुल ठीक कहती हूँ, बहुत अच्छा सर दबाती हो। उफ, तराम आ रहा है मुझे। नमाज पढ़ कर आई हो? जी। आओ बैठो, यहाँ बैठो। वो इशा की नमाज रह गई थी, यूनिवर्सिटी का काम कर रही थी। तुम 5 वक्त की नमाज पढ़ती हो ना, मैंने अक्सर तुम्हें देखा है। जी मुझे बचपन से आदत है, नानू की जब तबीयत खराब होती थी ना, वो तब भी नमाज पढ़ती थी। बस उनको देखे मैंने भी शुरू कर दी। माशाल्लाह, तुम अपनी माँ से ज्यादा अपनी नानू के पास रही हो ना, तभी सारी अच्छी आदतें तुम में आई हैं। मेरी अम्मी का इंतकाल बचपन में हो गया था, मैंने बोलना खेलना हंसना सब कुछ नानू से सीखा। मैंने तुम्हें समझने में बहुत गलती की हादिया, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। अभी भी जब भी मैं सोचती हूँ मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा सलूक किया, यकीन मानो बहुत शर्मिंदगी होती है मुझे। नहीं ताई जान ऐसे मत बोलें, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। जीती रहो, तुम वाकई बहुत नेक हो, अल्लाह ताला तुम्हारी जरूर दुआएं सुनते होंगे। हादिया बेटा, मेरे लिए दुआ करोगी? तुम्हें पता है ना, सोहेब का रिश्ता मैंने सारा के साथ तय कर दिया है। अब सोहेब तैयार ही नहीं हो रहा, पता नहीं कौन सी शहजादी से उसको इश्क हो गया है। बेटा दुआ करना कि सोहेब सारा के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाए। मेरे लिए दुआ करोगी ना? हादिया मेरे लिए दुआ करोगी ना? जी। जीती रहो। तुम किससे पसंद करते हो, तुम किससे पसंद नहीं करते? मैंने तुम्हारा रिश्ता सारा के साथ तय कर दिया है।
इस मुसीबत से जान कैसे चुराऊं? मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है, क्या करूं? अरे यार, ऑफ कोर्स मैं तुम्हें अपनी एंगेजमेंट में बुलाऊंगी, कैसी बातें कर रही हो? नहीं यार, अभी कहाँ डिसाइड की है डेट, लेकिन जैसी ही होगी ना सबसे पहले तुम्हें बताऊंगी। अच्छा चलो अब चलती हूँ, ठीक है? ओके बाय बाय। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, मैं तुम्हें नहीं, मैं हादिया को पसंद करता हूं। कुछ कह रहे थे क्या? I'm sorry, मैंने हैंड्स भी लगाए हुए थे, सुना नहीं। सारा, मैं मार से इतनी इंपॉर्टेंट बात कर रहा था और तुम्हें सुना ही नहीं, हैरत की बात है। कोई बात नहीं, अब बता दो। सारा, तुम्हारे से बात करना चाह रहा हूँ। कहो, अब बोल भी दो। मैं ये कह रहा था कि सारा। जी मम्मा, यहाँ पे हूँ। हाँ बोलो, तुम कुछ कह रहे थे? कुछ नहीं। लग रहा है कि आज के दिन बहुत अच्छा जाएगा। रुकी, मुझे आपसे एक बात करनी है। आप मुझसे बात कर रहे हैं? आपको अपने अलावा इधर कोई नजर आ रहा है? शुक्र है, आपका मूड थोड़ा सा ठीक हो गया। आप तो मेरे से बात ही नहीं कर रही थी, आपके पीछे पीछे घूम रहा था। अब आपने खुद से कह दिया तो जाहिर से बात है हैरत तो होगी। ताई जान आपके लिए बहुत परेशान हूँ। और आपकी ताई जान की वजह से मैं बहुत परेशान हूँ।